लगा ये मून फेजेस वॉल हैंगिंग या डेकोर। जब ऑनलाइन देखा तो मुझे ये काफी एक्सपेंसिव लगा, इसीलिए सोचा क्यों ना इसे खुद ही बनाया जाए। मैं खुद हैरान थी, इतना सुंदर फेजेस ऑफ मून DIY इतने सस्ते में बन गया, तो इसे तो मुझे आपके साथ शेयर करना ही था। ज्यादातर सप्लाईज आपको घर पे ही मिल जाएंगे। अब चलिए शुरू करते हैं। अपनी इच्छा अनुसार सर्कल्स के लिए कोई भी साइज का कैप या जो भी घर पर अवेलेबल हो उसे सर्कल्स ट्रेस करें किसी भी कलर के चार्ट या पोस्टर पेपर पे। जैसे यहाँ मैंने ब्लैक लिया है। जितने मून के फेजेस चाहिए अपने प्रोजेक्ट में उतने सर्कल्स ट्रेस कर लें। जैसे मुझे 7 चाहिए था, इसीलिए 7 सर्कल्स और 5 और सर्कल्स ट्रेस करें उन 7 सर्कल्स को कवर करने के लिए। आप सोच रहे होंगे कवर के लिए 7 के बजाय 5 क्यों? जवाब के लिए आगे देखते रहिए। अब उन सब को ध्यान से कैंची से काट दें। एक बार सारे कटआउट्स तैयार हैं तो उन्हें अरेंज करें और तय करें उनके इंडिविजुअल शेप्स कैसे होंगे। जैसे मुझे 2 सेमी सर्कल चाहिए था, इसीलिए 1 सर्कल को बीच से हाफ में फोल्ड किया और कैंची से काट दिया। एजेस को सीधा कर लें। अब ऐसे 1 हाफ को लेके दूसरे सर्कल पे ट्रेस करके काट दे। इससे बस 2 सर्कल काट के हमें 4 हाफ मिल गए, जिसमें से 2 कवर के लिए यूज होगा। अब उसी कैप से चांद के दूसरे फेजेस ट्रेस करें और काट दें। अब उस पीस को यूज करके दूसरे 3 सर्कल्स पे ट्रेस करें ताकि हमें उसी शेप के टोटल 4 पीसेस मिले। 2 कवर के लिए यूज होगा। अपनी इच्छा अनुसार कैप की पोजीशन चेंज करते रहें बाकी के सारे शेप्स के लिए। सब मिलने तक ट्रेस करें और काटते रहें। ध्यान रखें हर फेस के लिए एक उसी साइज का कवर पीस भी होना चाहिए। अब आपको जवाब मिल ही गया होगा क्यों मैंने कवर के लिए 7 नहीं 5 यूज किया। वो इसलिए क्योंकि मेरे प्रोजेक्ट में 2 सेमी सर्कल है जो सिर्फ 2 सर्कल को काट के ही 4 पीसेस मिल गए कवर पीसेस के साथ। अब शेप्स को अरेंज कर दें और उनके कवर अप पीसेस को अलग रख दें। पेंट करने से पहले उसके नीचे न्यूज़पेपर या प्लास्टिक इत्यादि से कवर कर दें क्योंकि इस दौरान पेंट बाहर लग सकता है। अब सारे पीसेस को साथ रखें और अपने पसंद के कोई भी पेंट लें। जैसे मैंने 3 एक्रिलिक कलर लिया, ब्लैक, सिल्वर, व्हाइट और एक ब्रश। आप सिर्फ 1 व्हाइट कलर से कर सकते हैं, पर मुझे असली चांद जैसा वेरिएशंस चाहिए था, इसीलिए 3 यूज किया। पेंट के लिए आप कोई भी फ्लोरल फोम या कोई भी स्पंज यूज कर सकते हैं। उसे एग्जैक्टो नाइफ से क्वार्टर पीस में काट दें। उसके सारे साइज से अलग अलग कलर्स पेंट करें ताकि कलर मिक्स ना हो जाए। और स्पंज यूज कर रहे हो तो हर कलर के बाद उसे धो दें। अब पहला पेंट डालें जैसे मैंने सिल्वर किया। ब्रश से स्प्रेड करें और रैंडमली उन पीसेस पे डैब कर दें। अब बाकी के कलर जैसे व्हाइट भी उसी प्रकार यूज करें। इसी तरह सिल्वर और व्हाइट बार बार यूज करते रहें। परेशान ना हो अगर कभी कोई कलर ज्यादा लग जाए, तब ब्लैक कलर से उसे ठीक कर दें। पता है आपने जरूर सोचा होगा मैंने ब्लैक कलर क्यों लिया है जब वो सेम बैकग्राउंड पेपर पे दिखेगा ही नहीं। खुद से देख लें ब्लैक कितना इम्पोर्टेंट है। इसीलिए जो भी पेंट चूज करें एक कलर बैकग्राउंड से मैच जरूर कराएं ताकि कोई भी कलर एक्सेस होने पर उसे सही कर सके। अब 10-15 मिनट तक अच्छे से सूखने दें और जिस तरह से हैंग करना चाहें उसी तरह अरेंज कर दें। हैंगिंग के लिए अपने इच्छा अनुसार कोई भी ट्रांसपेरेंट नायलॉन स्ट्रिंग या कोई डेकोरेटिव स्ट्रिंग लें, पर मेरे पास ये कॉटन रस्सी ऑलरेडी था इसीलिए यही यूज करूंगी। वैसे भी दीवार के कलर से मैच करने के कारण ये दूर से दिखेगा भी नहीं। सारे पीसेस को उसी क्रम में उल्टा सेट कर दें और क्लियर टेप यूज करके रस्सी को उन पीसेस से जोड़ लें। ध्यान रखें चांद का जो साइड अब आपको पीछे से दिख रहा है वो हैंग होने पर ऑपोजिट साइड में हो जाएगा। जैसे अगर शेप को फाइनली लेफ्ट की तरफ हैंग करवाना है तो टेप लगाते वक्त उसे राइट की तरफ फेस करवाएं।
जब सारे पीसेज अटैच हो जाए, आप या तो इसे इसी प्रकार यूज कर लें जैसे मैंने अपने लिए किया था, क्योंकि पीछे से किसी को दिखेगा नहीं, तब कवर पीसेस की जरूरत नहीं होगी। पर ये मैं अपने फ्रेंड को गिफ्ट देने के लिए बना रही हूँ, इसीलिए इसको पीछे से भी कवर करूँगी एक नीट लुक के लिए। इसके लिए ग्लू स्टिक या कोई भी लिक्विड ग्लू यूज करें और उन कवर पीसेस को अच्छे से सही फेस पे चिपका दें। जब सारे पीसेस चिपक जाएं, ये तैयार है। पर नहीं, फ्रेंड के लिए बनाते वक्त एक और आइडिया आया। अगर कोई और कलर के चार्ट या पोस्टर पेपर से कवर करे तो ये दोनों तरफ से यूज किया जा सकता है। जब मन करे सीजन के अनुसार या कोई स्पेशल ओकेजन पे डेकोर चेंज करते रहें। उसी हिसाब से दूसरा पोस्टर पेपर चूज करे, जैसे मैंने व्हाइट लिया है। अब वो सारा प्रोसेस जो ब्लैक पे किया था वो इस पे रिपीट कर दें। फिर इन्हीं पीसेस को कवर के लिए यूज करें, सिवाय तीन अलग एक्रिलिक कलर्स के, गोल्डन, कॉपर एंड व्हाइट। अब या तो आप ऐसे ही सिंपल रखें या कोई डेकोरेटिव पेंडेंट का यूज करें एडेड लुक के लिए। मैंने इन वुडन बीड्स का इस्तेमाल किया जो मेरे पास ऑलरेडी था। ब्रश के एक एंड पे उन्हें पुश करने से पेंट करने में आसानी होगी। अब उन्हीं सारे कलर से पेंट करें और सूखने दें, क्योंकि इसमें दोनों तरफ अलग है, आधा आधा रेशियो में पेंट किया, ब्लैक कॉपर, गोल्डन सिल्वर और एक पूरा व्हाइट, ताकि डेकोर के हिसाब से बीड को ट्विस्ट कर सकूं। अब रस्सी को पतला करें और बीड में डालें। लंबी सुई है तो उसका इस्तेमाल करें, अगर आसानी से ना जाए तो किसी पतली चीज का इस्तेमाल करें, जैसे मैंने एक पेन के रिफिल का किया है। अब तीन बीड के जगह नॉट बनाएं, ताकि अब बीड सिर्फ ट्विस्ट हो सके पर ऊपर या नीचे ना हो सके। सबसे नीचे एक बड़ी नॉट बनाएं ताकि सब इकट्ठा रहे। हो जाने पर अपनी इच्छा अनुसार हैंग करें, हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली। किसी भी तरह ये काफी आसानी से कोई भी मॉडर्न डेकोर में फिट हो जाएगा या आपके ओवरऑल डेकोर में एक बोहेमियन टच जरूर देगा। जो मेरे चैनल में नए हैं, मुझे जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे एक बहुत बड़ा सा थम्स अप जरूर देना। और अगर मेरे बारे में जानना है तो मुझे मेरे सोशल मीडिया में जरूर फॉलो कीजिएगा। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। थैंक यू इसे देखने के लिए। फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, सी यू अगेन।